हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर का आज हमारा 14 दिन है और आज हम लोग करंट अफेयर के 70 से आगे 70 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डे 3 तक कवर कर लिया है और इसके आगे अब हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, अगर करंट अफेयर का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को शेयर करिए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज डे 4 स्टार्ट करते हैं और ये हम लोग का आंसर राइटिंग बैच है जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, प्रीलिम्स के पेपर के तुरंत बाद। दोस्तों, अगर आप 2018 का रिजल्ट देखेंगे तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट एक बार फिर पीसीएस के पेपर में गिर चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि 110 की गरीब में जो एसडीएम की सीट आई थी उसमें मैक्सिमम 30 की गरीब में ही हिंदी मीडियम के हैं, बाकी नहीं है। ये 30 भी हैं कि नहीं है इसका कोई ऐसा कुछ अच्छा खासा रिपोर्ट तो नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है कि इस बार रिजल्ट हिंदी मीडियम का बहुत गिर गया है। तो दोस्तों, मेंस में की आंसर राइटिंग के लिए यूपीएससी हिंदी के इस प्रोग्राम से जुड़िए और हम लोग आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारे कार्यक्रम की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। जो 71 नंबर क्वेश्चन है वो है नेत्रावली और कोटीगांव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है। ये दोनों जीव अभयारण्य दोस्तों हाल के दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं और काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो नेत्रावली और कोटीगांव वन्य जीव अभयारण्य जो है ये गोवा में स्थित है। नेत्रावली और कोटीगांव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे दोस्तों, ये गोवा में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। अगर हम लोग बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सभी है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए दोस्तों कि पेपर में आने वाला है। कुछ क्वेश्चन अगर इसको हम लोग 5 स्टार देना चाहें तो 5 स्टार क्वेश्चन ये है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो अंतरिक्ष में 328 दिन व्यतीत करने के बाद क्रिस्टीना कोच, नाम याद रखेंगे क्रिस्टीना कोच, तो अंतरिक्ष में इन्होंने 328 दिन बिता के अभी हाल ही में ये फरवरी में 6 फरवरी को धरती पर आई हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। इतने लंबे टाइम पीरियड तक अभी तक केवल 279 दिन का रिकॉर्ड था और 289 डे का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ के क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड 328 डे बना दिया। और इन्होंने जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो तोड़ा है पैगी विस्टन का रिकॉर्ड तोड़ा है। कितने दिन वो थे तो 289 डे वो अंतरिक्ष में थे, जबकि क्रिस्टीना कोच 328 दिन तक अंतरिक्ष में व्यतीत किए। दोस्तों, 73 नंबर क्वेश्चन, ये एक सर्वेक्षण पे क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हुआ था ये 5वां संस्करण, इसका ये जरूर याद रखेंगे। और ये महुआ के द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया है। महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, इस चीज को देखेंगे। और इस सर्वेक्षण में जो इंदौर है वो फर्स्ट रैंक आया है, यानी हम देखेंगे 5 बार अब तक सर्वेक्षण हुआ है और 4 बार इसमें से इंदौर फर्स्ट रैंक आया है। तो फर्स्ट रैंक इसका इंदौर है, ये याद रखेंगे। गंगा नदी घाटी के तट पर जो शहर है तो उन शहरों में जो स्वच्छ शहर का रिकॉर्ड इस बार वाराणसी को मिला है। तो स्वच्छ शहर का रिकॉर्ड वाराणसी को मिला है, वो शहर जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं, ये तीन इसमें दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट था 3 पॉइंट। इस तीनों पॉइंट को हम लोग देख लिए कि किसके द्वारा ये किया गया, कौन सा संस्करण था, जो गंगा नदी घाटी है वहाँ पे उसके तट पे जो स्थित शहर है उसमें कौन फर्स्ट रैंक है, ओवरऑल कौन फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट मिशन दोस्तों, एक मिशन है होप मार्स मिशन। दोस्तों, एक मिशन है, इस मिशन का नाम है होप मार्स मिशन। ये यूएई द्वारा भी, ये मिशन किसका है तो यूएई के का ये मिशन है। और ये किस स्पेस एजेंसी से छोड़ा गया, तो देखेंगे जो होप मार्स मिशन है यूएई का एक मिशन है जो कि जापानी स्पेस सेंटर की सहायता से छोड़ा गया है। तो होप मार्स मिशन जापानी स्पेस सेंटर की सहायता से छोड़ा गया है और किसका ये मिशन है तो ये यूएई का मिशन है। दोस्तों, यूएई के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी और भी देख लेंगे कि ये परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला प्रथम खाड़ी देश बना है, यानी खाड़ी देश में यूएई से पहले अब तक किसी ने भी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया था। तो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला यूएई प्रथम कंट्री बना है खाड़ी देश का, इस चीज को याद रखेंगे। होप मार्स मिशन किससे संबंधित है, यूएई से संबंधित है और ये जापानी स्पेस सेंटर से की सहायता से अपना ये मिशन छोड़ा है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसके कुल 6 प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं। उन 6 केंद्रों का नाम देख लें तो चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और न्यू दिल्ली। तो पेपर में ये आ सकता है दोस्तों कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्रीय मौसम केंद्र नहीं है। तो ये 6 ही नाम है दोस्तों, ये 6 नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। चेन्नई है, गुवाहाटी है, कोलकाता है, मुंबई है, नागपुर है और न्यू दिल्ली है। तो ये 6 केंद्र का नाम याद कर लेंगे दोस्तों। आगे एक योजना है दोस्तों, उस योजना का नाम है बलराम योजना। ये योजना का नाम है बलराम योजना। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बलराम योजना किससे संबंधित है। तो बलराम योजना दोस्तों ओडिशा की इस योजना है और इस योजना का उद्देश्य है भूमिहीन किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराना। यानी अगर भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने की ये योजना है ताकि जो भूमिहीन किसान है वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी असंगठित क्षेत्र से ऋण लिए और ऋण जाल में फंसे बिना वो अपनी कृषि गतिविधियों को पूर्ण कर सकें। तो बलराम योजना का संबंध ओडिशा से और भूमिहीन किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है मिजरी इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन है। ये इंडेक्स जो है दोस्तों ये आर्थर ओकुन द्वारा विकसित है। तो इस इंडेक्स को किसने विकसित किया है, तो आर्थर ओकुन इसको विकसित किया है। और ये इंडेक्स जो है ये मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी को जोड़कर रिपोर्ट अपना देता है। ये इंडेक्स जो है ये अपना जो रिपोर्ट देता है इस रिपोर्ट में मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी ये दोनों ऐड रहती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मिजरी इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे तो हम लोग ये ध्यान देंगे कि इस इंडेक्स में मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी ये दोनों चीज़ें ऐड होती हैं। तो ऑप्शन में यही सीधे दे देगा कि मिजरी इंडेक्स आर्थर ओकुन ने विकसित किया। सेकंड दे देगा कि इसमें केवल मुद्रा स्फीति को जोड़ के ये तैयार किया जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों ये मुद्रा स्फीति के साथ साथ बेरोजगारी को भी जोड़ के मिजरी इंडेक्स तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है संतुष्ट पोर्टल। तो दोस्तों संतुष्ट पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है। तो किसका है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है और इसका काम है श्रम कानूनों की निगरानी करना। जो संतुष्ट पोर्टल है उसका काम है श्रम कानूनों की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें दोस्तों तो मिशन पूर्वोदय। मिशन पूर्वोदय दोस्तों जो पूर्व के राज्य हैं उनमें एकीकृत जो इस्पात है उन इस्पात केंद्र की स्थापना करना है। तो पूर्वी भारत में एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना करना ये मिशन पूर्वोदय का लक्ष्य है, टारगेट है। तो मिशन पूर्वोदय का टारगेट हो गया कि पूर्वी भारत में एकीकृत इस्पात केंद्र का स्थापना, और ये इस्पात मंत्रालय का है, इस चीज को ध्यान देंगे। यानी मिशन पूर्वोदय का संबंध है इस्पात से, इस चीज को दोस्तों ध्यान देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है मिशन पूर्वोदय इस बार। संतोष पोर्टल भी इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान देंगे दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों हम लोग जो भी रखे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लेके नहीं छोड़िएगा। अगला जो हमारा है वो हागिया सोफिया संग्रहालय पे है। ये अभी हाल ही में न्यूज में था, इस संग्रहालय को तोड़ के एक मस्जिद बना दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको मस्जिद में परिवर्तित करने का जो ऑर्डर है खुद जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ की उसने दिया था डिसीजन मिस्र की कि इसको संग्रहालय को तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए। देखेंगे दोस्तों कि इसको ऑर्थोडॉक्स ईसाई गिरजाघर के रूप में बेजेंटाइन सम्राट जस्टिन वन ने निर्माण कराया था। तो इसको निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों इसका निर्माण जस्टिन वन ने करवाया था, जो कि क्या थे, बेजेंटाइन सम्राट थे, जो कि बेजेंटाइन सम्राट थे। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि ये संग्रहालय को तोड़ के अभी हाल ही में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। आगे है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार जो 2020 में 20वां कैंसर दिवस था उसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। इसकी थीम थी दोस्तों आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब जो 2020 में ये 20वां था इसका मतलब विश्व कैंसर दिवस मनाना स्टार्ट कब हुआ होगा दोस्तों, तो सन 2000 से स्टार्ट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मास्क अनेक जिंदगी। हम लोग देखते हैं हाल ही में कोरोना के कारण
मास्क को पहनना अनिवार्य कर दिया गया था कि अगर आप भीड़ भाड़ के इलाकों में या कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मास्क पहनना ही पड़ना है, वरना फाइन लग गया था। क्यों? तो इसके रीज़न ये था कि आप मास्क पहनेंगे तो आप कई की ज़िंदगी, खुद को तो बचाएंगे कई और की ज़िंदगी सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली एक जागरूकता अभियान था जो कि मध्य प्रदेश का अभियान था। तो एक मास्क अनेक जिंदगी जो जागरूकता अभियान है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसको ध्यान देंगे दोस्तों। नेक्स्ट, वित्त विधेयक के संबंध में क्वेश्चन है। वर्ष आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। तो वित्त विधेयक का उल्लेख दोस्तों कहाँ पे है? आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। और वित्त विधेयक एक अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय है। वित्त विधेयक एक अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय है। 84 नंबर क्वेश्चन पे जाएं तो व्लादिमीर पुतिन रूस के कब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो ये ध्यान देंगे दोस्तों, जो व्लादिमीर पुतिन है यह 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। और जो प्रस्ताव इसका पारित किया गया वो वेलेंटिना तेरेस्कोवा के द्वारा पारित किया गया है। वेलेंटिना तेरेस्कोवा ये वहाँ की सांसद हैं, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, और ये 2036 तक बने रहेंगे। इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। वेलेंटिना तेरेस्कोवा क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इसके पीछे ये नहीं रीज़न है कि इन्होंने ही प्रस्ताव पारित किया, यानी प्रस्ताव लेके आई थी। इसके रीज़न ये है कि ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं जिनको एक प्रस्ताव के तहत 2036 तक इनको वैलिड कर दिया गया राष्ट्रपति पद के लिए, तो ये इस प्रस्ताव को लाने वाली थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। आगे हम लोग देखें दोस्तों कि हाल ही में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया। तो दोस्तों जो यूएनएससी का हाल ही में अस्थायी सदस्य चुना गया है वो भारत को चुना गया है, और भारत ये 8वीं बार इस पद को पा रहा है। तो ध्यानेंगे भारत यूएनएससी में जो अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है ये 8वीं बार चुना गया है। और कुल इसमें ध्यान देंगे कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनमें कुल 10 सदस्य होते हैं, जबकि हमको पता है जो यूएनएससी का अस्थायी सदस्य होते हैं, जो अस्थायी मेंबर होते हैं, उनमें कुल 5 हैं। और वो कौन है दोस्तों? यूएसए, यूके, फ्रांस, चीन और रसिया। तो यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया है। तो दोस्तों आज हम लोग इस 15 क्वेश्चन को, जो करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको डिस्कस कर लिए, इसको हम लोग देख लें, अगर एक बार फिर से रिवीजन कर लें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो नेत्रावली और कोटगांव अभयारण्य पे था, क्रिस्टीना कोच के ऊपर था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो था उसके पे था, होप मार्स मिशन से था, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से था, बलराम योजना, मिजरी इंडेक्स, संतुष्ट पोर्टल, मिशन पूर्वोदय, हागिया सोफिया संग्रहालय, विश्व कैंसर दिवस, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, वित्त आयोग, व्लादिमीर पुतिन का जो राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव था उसके पे था, और लास्ट जो हाल ही में यूएनएससी में भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है उसके पे था। तो दोस्तों मिलते हैं कल न्यू करेंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।